माने में रमन आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका बोनस इशू भी आया है और फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी आए हैं, डिविडेंड भी डिक्लेयर किए हैं। और ये स्टॉक अगर देखेंगे तो 2018 में काफ़ी प्रेशर में रहा है, लेकिन अब एक बेस बना रहा है एक लोअर लेवल्स के ऊपर, और यहाँ से मेरे हिसाब से तो बाय करना चाहिए। और यहाँ से 10-15% का अगर रिटर्न मिलता है तो आप इजीली सेल भी कर सकते हैं। और ये कंपनी है NTPC लिमिटेड, आज देखेंगे तो 1% अप है 140 के करीब। इसका अगर 52 वीक लो देखेंगे तो 134 का है, जो कि 6 रुपये ऊपर है, और 180 का जो है 52 वीक का हाई है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लेते हैं और अच्छा ये स्टॉक करता है इस क्वार्टर के अंदर तो 160-165-170 के करीब जो है आप इजीली सेल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है क्योंकि काफ़ी धीरे धीरे ये स्टॉक चलता है। और इसका अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप बड़ा है, 1,15,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 10 रुपये का फेस वैल्यू है, कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किए हैं और बोनस शेयर्स भी डिक्लेयर किए हैं, तो उसी के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम फाइनेंशियल्स देख लेते हैं ताकि आपको भी आइडिया आ सके। टोटल अगर आप देखेंगे इनका टोटल इनकम 24,300 करोड़ का रहा है, जो कि सितंबर क्वार्टर से बड़ा है, 22,485 करोड़ था सितंबर क्वार्टर में, और एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा हुए तो उसी के कारण जो है नेट प्रॉफिट मिले जुले हैं। नेट प्रॉफिट 2385 करोड़ का है और सितंबर में 2426 में थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। तो मेरे हिसाब से इस क्वार्टर के हिसाब लिए अगर आपको लेना है 10-12% ईजिली मेरे हिसाब से तो मिल सकता है। और डिविडेंड भी कंपनी ने डिक्लेयर किया है 35.80% का, तो वो भी हम जानेंगे। और कंपनी ने बोनस भी डिक्लेयर किया है, तो उसी लिहाज से जो है स्टॉक थोड़ा एक अच्छा मूवमेंट बनाए रख सकता है। तो इसका अगर आप देखेंगे तो जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है 35.8% का, 3.58 रुपीज़ पर शेयर, और काफ़ी लोगों के पास ये शेयर हो सकता है। और इनका जो रिकॉर्ड डेट है ऑलरेडी कंपनी ने डिक्लेयर किया था 7 फरवरी 2019, जो कि काफ़ी नज़दीक है, आप मान लीजिए एक हफ्ता ही पड़ा है। और कंपनी ने बोनस इशू भी डिक्लेयर किया है 1:5 का, तो अगर आपके पास 5 शेयर है तो कंपनी 1 शेयर फ्री में देने वाली है बोनस के तौर पर। अगर आपके पास 50 शेयर्स हैं तो आपको 10 शेयर्स मिलेंगे, लेकिन जो फेस वैल्यू है वो सेम रहने वाला है। तो ये एक बोनस भी काफ़ी अच्छा इस कंपनी ने दिया है इस क्वार्टर के अंदर, तो मेरे हिसाब से तो इस स्टॉक के अंदर एक बाय बनता है। अगर आपको लगता है नीचे के लेवल पे आएगा तो नीचे लीजिएगा, क्योंकि अब 52 वीक लोअर लेवल्स पे ही हैं और यहीं जो है ये स्टॉक चल रहा है। मान लीजिए 140 है तो 150 भी अगर आता है तो वो भी प्रॉफिट ही है, उस 10 रुपये पे भी आप सेल कर सकते हैं, या 155-10% ईजिली हो जाता है 155 के रेट पे भी। तो आप भी अपना रिसर्च ज़रूर करिएगा, तो मेरे हिसाब से एक लेवल भी अच्छा है लेने का इस स्टॉक का। और बोनस भी इशू किया है, रिजल्ट्स भी थोड़े अच्छे आए हैं, तो आज इसी के बारे में बोलना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहें। चलिए, थैंक यू।